हेलो फ्रेंड्स, जेके गवर्नमेंट में आपका स्वागत है। आज हम चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनाएंगे और ये स्पॉन्ज केक हम घर में आसानी से मिलने वाले इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। यहाँ पे हम ना बटर और ना कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे, फिर भी ये केक बहुत ही सॉफ्ट बनती है फ्रेंड्स। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। केक बनाने के लिए बाउल में सबसे पहले 1 कप जितनी पीसी हुई शक्कर ऐड करेंगे। अगर इसको हम ग्राम में मेज़र करते तो 100 ग्राम पीसी हुई शक्कर लेना है। 1/3 कप ऑयल यानी कि 85 ml ऑयल, 1/2 कप कर्ड, 1/2 teaspoon वेनिला एसेंस। अब इन सारी सामग्रियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो यहाँ पे पीसी हुई शक्कर की जगह पीसी हुई मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। तो बाउल में हम 1.5 कप जितना मैदा ऐड करेंगे। अगर इसको हम ग्राम में मेज़र करते हैं तो 180 ग्राम जितना मैदा लेना है। 3 टेबल स्पून कोको पाउडर। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैदे की जगह आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ अ टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून। और इन सारी सामग्रियों को अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। और छानने से क्या होता है कि इसमें एरेशन होती है, तो उसकी वजह से जो हमारी केक है वो थोड़ी स्पॉन्जी बनती है। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई के ऊपर ढक्कन ढक के इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया है धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक हमारी कढ़ाई प्री हीट होती है तब तक यहाँ पे हम वेट इंग्रेडिएंट्स में ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको 3 बैच में ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर वाले ही होने चाहिए। अब यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 100 ml जितना दूध लिया है। अगर आपके पास दूध नहीं है तो इसकी जगह पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने करीबन 100 ml जितना दूध यूज़ किया है और इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी ना गाढ़ी और ना पतली, तो हमें केक के लिए बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की चाहिए। अब इसमें 1/2 चम्मच जितना विनेगर ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे आपके पास विनेगर नहीं है तो उसकी जगह आप 1/2 चम्मच जितना लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने केक टिन में बटर लगा के उसको ग्रीस कर लिया है। बैटर को इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। और इस तरह केक टिन को 4 से 5 बार अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स है वो निकल जाए। यहाँ पे हमारी कढ़ाई अच्छे से प्री हीट हो गई है तो टिन को अब हम इसमें रख देंगे और इसके ऊपर ढक्कन ढक के इसको हम करीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए धीमी आंच पे बैक होने के लिए रखेंगे। अगर आप इसे ओवन में बैक करना चाहते हैं तो प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पे आपको इसे 30 से 35 मिनट के लिए बैक करना है।
अब टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर लेते हैं कि हमारी केक अच्छे से बैक हुई है या नहीं। हमारी टूथपिक क्लीन है, यानी कि हमारी केक अच्छे से बैक हो गई है। अब यहाँ पे हम केक को 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रखेंगे और उसके बाद इसको डीमोल्ड करेंगे। नाइफ की मदद से इस तरह साइड्स क्लीन कर लेंगे और टिन को इस तरह पलट लेंगे और इसके ऊपर से बटर पेपर रिमूव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी केक बहुत ही स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बनी है, और वो भी घर में आसानी से मिलने वाले इंग्रेडिएंट से ही बनती है। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। ना हमने यहाँ पे बटर और ना कंडेंस मिल्क यूज़ किया, फिर भी ये केक बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनती है। आप इस स्पॉन्ज केक को ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने में यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट ट्रफल केक बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी पीसी हुई शक्कर और कोको पाउडर इस तरह स्प्रिंकल कर लेंगे। अब यहाँ पे हम केक को कट करके भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी केक कितनी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनी है, और वो भी बेसिक इंग्रेडिएंट से बनी है। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ दोस्तों।